सिरसा में आतंकवादी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ वकीलों में रोष, सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जताया रोष। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी रोष स्वरूप बार एसोसिएशन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। आतंकवादियों व आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस लिए जाने के सरकार के फैसले का वकीलों ने किया स्वागत। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज सिरसा में भी पाकिस्तान के खिलाफ रोष देखने को मिला। एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने शहीदी स्मारक पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ रोष जताया, वहीं बार एसोसिएशन से संबंधित वकीलों ने भी लघु सचिवालय पहुंचकर रोष जताया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन ने डीसी को ज्ञापन सौंपा और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग की। सिरसा बार एसोसिएशन के प्रधान अजय बंसल व सचिव गणेश सेठी ने हमले की घोर निंदा की और शहीदों के परिजनों को सांत्वना प्रदान की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ राजनीति से ऊपर उठकर आतंकवाद व आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वकीलों ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिए जाने के सरकार के फैसले का भी स्वागत किया। इससे पूर्व बार एसोसिएशन के वकीलों ने बार रूम में एक बैठक आयोजित कर निंदा प्रस्ताव पास किया और दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्हें सलाम है। मैं उनके परिवार को परमात्मा हिम्मत बख्शे इस दुखद घड़ी में ऐसी कामना करता हूं और जो हमारे जवान इंजर्ड हैं वो बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाएं ऐसी कामना भी करता हूं। और हम आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब हो सके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने ये मेमोरेंडम आज देना उचित समझा। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि जो पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवरेट का दर्जा है, नेशन दर्जा है, वो वापस ले लिया गया है और साथ साथ में सेना को आज से अनाउंस किया है कि फ्री हैंड दिया जाए ताकि आतंकवादी से मिले। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला देर से लिया गया सही फैसला है। अब जो भी भारत सरकार कूटनीतिक रूप से या अन्य किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान को अलग थलग करना है या अन्य किसी कारण से, हम पूरा देश भारत सरकार के साथ है, उनके हर फैसले का स्वागत है। ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है, धन्यवाद। बहुत ही ब्रूटल और ग्रूसम एक्ट है ये टेररिज्म का और हम तहे दिल से इसको कंडेम करते हैं और जो शहीदों के परिवार हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। सभी राजनीतिक दल एक सहमत हो इस मत पे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए हर आदमी के ऊपर। जो लोग दहशतगर्द हैं सभी को पता होता है सरकारों को कौन लोग हैं, ये क्यों गिलानी जैसे लोग ये इस तरह बैठे हैं, उनको सुरक्षा मिलती है और आम आदमी मरता है, हमारा कश्मीरी मरता है, हमारा कश्मीरी भाई मरता है, हमारी कश्मीरी बहू विधवा होती है, माएँ बेवा होती हैं। ये राजनीति नहीं चलनी चाहिए शहादतों के ऊपर बिल्कुल भी। सरकार ने कंडेम किया है जी और इसलिए वकील आज प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं इसका।